आप देख रहे हैं, हम बात करते हैं कि पीसीज की, तो आपको इंटरेस्ट है कम से कम पीसीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जानते हो कि जो कॉन्सोल्स होते हैं वो भी एक तरह के कंप्यूटर ही होते हैं, तो देखते हैं सोनी का बनाया हुआ ये कंप्यूटर हमारे बनाए हुए कंप्यूटर से कितना डिफरेंट है। तो आइए शुरू करते हैं सोनी के PS5 का टीयर डाउन। For information only, do not do this at home. Risk of exposure, electrical shock or other injuries, disassembling a PS5 console in real manufacture, guarantee obviously. अगर आप खोलोगे console, वो टेप वेप हटाओगे स्क्रू के ऊपर से, तो वारंटी चली जाएगी आपकी। ये तो हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में होता है। Wow, detachable stand. वाओ, होल को छुपाने के लिए प्लास्टिक। वाओ, स्टैंड दूसरी जगह भी लग जाता है। अच्छा है, लेकिन अच्छा है। वैसे जितना आसानी से लग रहा है वीडियो में, उतना आसानी से रियल यूजर्स के लिए कर पाना मुश्किल है। एक फैन और दोनों साइड संभालेगा एक ही फैन। सफाई करने के लिए तो खोलना ही पड़ता है। अब शुरू हुआ है PS5 का टीयर डाउन। ये गई वारंटी, जिसने ये किया टेप हटाए उसकी गई वारंटी। आप वीडियो देख सकते हो, खुद मत करना। और पीसी बना रहे हो तो आप कर सकते हो। पीसी बनाने के लिए तो आपको सब अलग ही अलग असेंबल करना पड़ेगा। पूरा कंसोल ठंडा रखने के लिए एक फैन। ये खड़ंग खड़ंग होती है ना प्लास्टिक के अंदर, ये बड़ी डरावनी लगती है। लैपटॉप से भी बहुत डरावनी लगती है। ऑप्टिकल ड्राइव देखने को मिलती है ना तो अच्छा लगता है। यही अंतर है ना, अच्छा वाईफाई होना बहुत जरूरी है। मैं आपको वाईफाई के बारे में बाद में बात करते हैं, वरना
कई कंप्यूटर्स में जो है मदरबोर्ड होता है ना उस पर अच्छा वाईफाई आता है, कई सस्ते कंप्यूटर्स पे तो आता ही नहीं है, कई सस्तों पे अच्छा वाईफाई नहीं होता, इसमें वाईफाई 6 है। अब आपके यहाँ हाई स्पीड आती होंगी ना तो उसका बेनिफिट भी तो आप उठा पाओ। CPU は8コア16スレッドで最大3.5GHzで駆動します Ryzen 7 लगा इसके अंदर 8 कोर 16 थ्रेड 2.3TFLOPSをスペースします。メモリは GDDR6を8個搭載し、バンド幅は最大で毎秒 448GB。 सर्कुलर फॉर्मेशन में लगा हुआ ना अच्छा लगा। HDD に代わり 825GB の SSD をオンボードで実装しています。ठीक है。カスタムな SSD コントローラーにより、読み込み速度は生データの転送速度で毎秒 5.5GB と高速化され、ゲームの労働時間を大幅に短縮しています。PS5 の SOC は小型の台を非常に高いクロックで動作させています。このため、シリコン台の熱密度が非常に高くなり、SOC とヒートシンクの間に挟む TIG と呼ばれる熱伝導材の大幅な性能アップが必要でした。PS5 では長期で安定した高い冷却性能を実現するため、この TIG に液体金属を採用しました。我々は2年以上前からこの液体金属を採用するための準備をしてきました。どうさ考えるありとあらゆる試験を実施し、採用になっています。あっちゃ PS5 のヒートシンクです。वैसे अगर आपको PS3 や PS4 と同じようにマナーを使っていますが、形状やエアフローの工夫により、ベーパーチャンバーと同等の性能を実現しました。लेकिन कई कूलर्स में इससे भी बड़ी आती है। एक 350W の電源ユニットです。350W की पावर सप्लाई है। तो हम छोटे कंप्यूटर बनाते हैं तो उसमें 450 वॉट्स की क्यों लगाते हैं, जब इस जैसे कंप्यूटर का सोनी के कंप्यूटर का 350 वॉट्स की है पावर सप्लाई। आह ये शॉट बड़ा प्यारा लगा जो एक साथ सारे कंपोनेंट्स रखे हुए थे। काश इतनी बड़ी बड़ी टेबलें होती हमारे पास। अच्छा प्ले स्टेशन, अब एक एक करके कुछ बातें कर लेते हैं। वैसे एंड का सेक्शन जो था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, खासकर ये SSD और ये जो लिक्विड मेटल टिम यूज किया है उसका, तो आइए बात करते हैं एक एक करके। चलो मैंने बेस से ही देखा, बेस से थोड़ा इंटरेस्ट मेरा जागा है इसमें। बेस की आप बात कर लो, देखो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्रोडक्ट को अच्छा बना देती है। कई महंगे केसेस में इस तरह के गिमिक्स आते हैं, जैसा कि आपने देखा कंसोल में ये जो स्टैंड है वो निकल आता है, उसके अंदर आप स्क्रू डाल सकते हो, जैसे नहीं लॉजिटेक के या कई और भी माउसेस आते हैं उसके अंदर वायरलेस जो डोंगल होता है वो माउस के अंदर ही होता है जिससे कि खो ना जाए, और ये बहुत अच्छा फीचर लगता है। तो इसमें भी आपको ये चीज मिलेगी तो खरीद लो आप PS5, ये स्टैंड की वजह से खरीदो आप। खैर ये अच्छी चीज है, लेकिन क्या होता है PC वगैरह में यही चीजें जब खत्म होती जाती हैं तो आपके केसेस सस्ते होते जाते हैं, और अगर आप PC के हर कॉम्पोनेंट में यही चीजें खत्म करते चले जाओ तो आपकी चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं और सस्ती भी हो सकती हैं। लेकिन मुझे सही में स्टैंड बहुत अच्छा लगा, इस तरह की ये जो मॉड्युलरिटी होती है ना कि वहाँ से निकाला वहाँ रख लिया, और आप अपना खड़ा भी रख सकते हो और लिटा भी सकते हो। अब ज़्यादा कस्टमाइबिलिटी तो मिलती नहीं है PC की तरह कॉन्सोल्स में, तो ये तब भी अच्छा था, बिना खोले आप कुछ कस्टमाइज़ कर पा रहे हो। और मुझे सही बताऊँ उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है, आप ये समझो स्ट्रेट एजेस और बॉक्सी डिज़ाइन नहीं है, काफ़ी कर्व लिए हुए हर चीज़ है जो अच्छी लग रही है। USB पोर्ट्स भी सही जगहों पर लगाए हुए हैं, और कूलिंग के लिए कई लोग PC में जो परेशान हो जाते हैं कि अरे ये केस बंद हो गया है इसमें ज़रा सी जगह रह गई है हवा कैसे आएगी वगैरह वगैरह। खैर PC में तो देखो डिपेंड करता है हार्डवेयर के ऊपर, अगर आप 50,000 का कंप्यूटर बना रहे हो तो आपका हार्डवेयर इतना हैवी नहीं है कि उसको बहुत सारे पंखे और केस में बहुत बड़ी आपको जगह चाहिए। लेकिन अगर आप PC बना रहे हो कम से कम 1.5 लाख रुपए का, तो उसमें हैवी हार्डवेयर लगा हुआ, गर्मी ज़्यादा जनरेट होगी, तो आपको अपने कैबिनेट में ज़्यादा जगह चाहिए होती है। यह आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट करने वाला हार्डवेयर नहीं है 350 वॉट की, तो PSUs के अंदर तो एक अच्छा फैन पूरे सिस्टम को ठंडा रख सकता है। सोचो आप वो केस को तो ठंडा कर नहीं रहा है, जो हीट सिंक से गर्मी डायरेक्ट निकल रही है उसको ही कर रहा है। हमारे तो PC वगैरह में जो इतने सारे फैंस लगे होते हैं वो इसलिए भी लगे होते हैं कि जो गर्मी है वो कैबिनेट में इकट्ठी हो रही है उसको तेजी से बाहर निकालना है। अगर हम डायरेक्ट हीट निकाल सकते कैबिनेट के बाहर
तो शायद फैंस कम लगाने पड़ते। और मुझे एक बात अच्छी लगी, वैसे तो जैसे कंसोल है तो ज्यादा आपको खोलने खालने के मौके नहीं मिलेंगे, आपकी वारंटी वर्ड हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन कंप्यूटर और ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं अगर 2-3 साल तक लगातार चलाते हो। कंप्यूटर का नहीं, एक बार को लैपटॉप और कंसोल ही बेलो बोलो आप, कंप्यूटर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अगर सालों तक आप उसमें धूल भी लगे रहे तो भी मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम होते हुए नहीं देखी, मतलब बहुत ही ज्यादा मट्टी जम जाए तब होती है। लेकिन कंसोल और लैपटॉप्स में, वैसे आप कहाँ रहते हो, हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, घर पे रहते हो तो घर साफ होते हैं, बंद भी होते हैं तो उसमें धूल मिट्टी कम होती है, लेकिन अगर लैपटॉप कंसोल की बात करो, जल्दी इनमें धूल की वजह से गर्मी होने लगती है और जो फुल पोटेंशियल है वो CPU या GPU का वो नहीं अचीव हो पाता है, और जब बिल्कुल ही बंद होने लगता है तब आप जाते हो सर्विस कराने, वो कहता है कि आपके इसमें तो बहुत ज़्यादा धूल लगी हुई थी, वो धूल साफ करता है, आपका कंप्यूटर चल पड़ता है। तो इन्होंने आपको वो भी डील ना करना पड़े तो ये डस्ट कैचर जो है इन्होंने दे दिए, अच्छी बात है। और दूसरा, ये वैक्यूम करने की बात कह रहे हैं ना, आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप वैक्यूम नहीं घुमा सकते हो, वो थोड़ा मतलब डरावनी बात होती है। ब्लोअर एक बार को चला सकते हो, बाहर रखा सड़क पे और आपने ब्लोअर चला दिया, उसमें से मिट्टी हटा दी, लेकिन इन्होंने वैक्यूम को ऑप्शन ही दे दिया। वैसे असली सफाई तो खुल गई होती है, लेकिन ये भी तब भी ठीक है कि जो यूजर है उसको कुछ तो ऑप्शन मिला। और अच्छी बात ये है कि इन्होंने हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिच कर दिया है, अच्छी बात है। जब आप कंसोल जैसी चीज खरीद रहे हो, यानी कि मतलब उस हिसाब से आपके पास पैसे ठीक ठाक हैं, तो आप हार्ड डिस्क से ना ही जूझो तो बढ़िया है, क्योंकि ये जो मशीन है वो मतलब टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई है, और खासकर इस तरह के जो प्री बिल्ट पीसीज आते हैं, ये पीसी ही है, प्री बिल्ट पीसीज आते हैं, इसमें यूजर एक्सपीरियंस का बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि पीसी वाले अगर आप बात करो तो कई प्रॉब्लम्स उन्हें झेलनी पड़ती हैं, कई बार क्रैशेज हो रहे हैं, कभी कोई दिक्कत हो रही है, खुद ही सॉल्व करनी पड़ रही है या दुकान पे ले जाना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह बहुत प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन एप्पल जैसी कंपनियां, सोनी जैसी कंपनियां यूजर एक्सपीरियंस में बहुत ख्याल रखती हैं, तो उस यूजर एक्सपीरियंस को सबसे अच्छा करने के लिए एक ही तरीका, हार्ड डिस्क को बिल्कुल डिच करो, उसको बिल्कुल यूज ही मत करो, जिसे करना है यूज वो एक्सटर्नल लगा ले, हम SSD पे ही रहेंगे, और आपको M.2 एक्सपेंडेबिलिटी मिलती है। और आप ये भी समझो, ये भी 2020 की बात नहीं हो रही है, ये 5-6 साल चलेगा, 5-6 साल में तो SSD एक नॉर्मल वो बन जाएगी, हर किसी के पास होगी। अरे अभी होने लगी है, मैं ही प्रमोट करता हूँ आपको, कितनी सस्ती सस्ती आ गई है, M.2 भी लगाओ, साटा भी लगाओ, SSD लगाओ। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये एक 120mm का फैन, मतलब अगर कंप्यूटर के हिसाब से बात करें तो ग्राफिक कार्ड को भी ठंडा कर रहा है, CPU को भी ठंडा कर रहा है, केस को भी ठंडा कर रहा है, पावर सप्लाई को भी ठंडा कर रहा है, वो सारा काम एक ही 120mm का फैन काम कर रहा है, भाई वाह। पहली बात तो ये है कि अगर आप एफिशिएंसी से एक चीज़ बनाओ तो एक ही काम कर सकती है, पहली बात तो एक फ़ैन नहीं है, ये 45mm का फैन है, और अगर आप एक ही जो कंपोनेंट होता है उसको ताकतवर बनाओ तो ये भी बात नहीं है कि वो तिगुना ही काम करेगा एक नॉर्मल कंपोनेंट के, हो सकता है वो 5 गुना ज़्यादा काम करे एक नॉर्मल कंपोनेंट के। दूसरा क्या है, आपने जो डिज़ाइनिंग थी वो इस तरह से करी कि आपका एक ही कूलिंग सिस्टम होगा, ये हम कहते हैं कस्टम वाटर कूलिंग में नहीं, आप सब एक ही से कनेक्ट कर देते हो, सारा जो है गर्म ठंडा, चाहे चिपसेट हो मदरबोर्ड का, चाहे GPU हो, ग्राफिक कार्ड हो आपका, चाहे CPU हो, वो पानी जो है सबको ठंडा करता हुआ चलता, आपने एक ही कूलिंग सिस्टम बना रखा है। ऐसे ही अगर आप एफिशिएंटली डिज़ाइन करो तो इस तरह का एक ही फैन जो है पूरी मशीन को कूल कर सकता है, इसे पूरा कैबिनेट को ठंडा नहीं करना पड़ रहा जो आपको बहुत सारे फैंस लगाने पड़े हों। बहुत सारे फैंस का मतलब ये है कि कई कंप्यूटर्स में, नॉर्मल कंप्यूटर्स में भी, नॉर्मल तो नहीं, दिखावे वाले कंप्यूटर्स में 9-9 फैन तक होते हैं। 9 फैन कैसे कि 3 तो आपने रंगीन फैन जो है फ्रंट में लगा रखे हैं, 2 फैन AIO के मान लो, 1 आपका बैक साइड में होता है, 2 मान लो आपने नीचे भी लगा रखे हैं कई दिखावे वाले में, और 1 PSU वाला फैन होता है, तो कई बार 9-9 फैंस हो जाते हैं। वो सारा काम एक ही पावरफुल फैन कर सकता है अगर उसको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं झेलनी पड़ रही हो, जैसे 350 वॉट की पावर सप्लाई तो कंपोनेंट बहुत ज्यादा हीट नहीं निकाल ले, और एक ही जगह से निकल रही हो, जैसे CPU और GPU एक ही जगह पे है, इसमें अलग अलग तो है नहीं, एक ही CPU है, जैसे APU आप कहते हो उसी पे आपका GPU भी है, उसी पे आपका CPU भी है, तो वहीं से उसे करनी पड़ रही है। दूसरी, अगर हीट सिंक आप ढंग से डिजाइन करते हो, जैसे कि आप अभी आगे देखोगे वो भी भारी है, तो वो भी हेल्प करती है। लेकिन एक पुरानी चीज जो चली आ रही है, जो भी डिच नहीं की है PlayStation वालों ने, वो है ऑप्टिकल ड्राइव। लेकिन CD/DVD की बात नहीं हो रही, ऑप्टिकल ड्राइव ब्लूरे डिस्क की बात हो रही है, लेकिन अब भी ऑप्टिकल ड्राइव देखने को मिलती है, वो आपके ऊपर है। कई लोगों को फिजिकल ड्राइव्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है,
वरना ईमानदारी वाली बात बताऊं, पीसी वाले जितने भी हैं वो तो ज़्यादातर फुल्ली डिजिटल हो चुके हैं, वो जो आसानी मिलती है उसका जवाब नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, वैसे तो और कंसोल में ये देखने लायक होगा कि क्या होता है, जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है आपने गेम खरीदा उसको आप बेच भी सकते हो, तो वो मतलब हमेशा आपका पैसा फंस नहीं गया। लेकिन ऐसा डिजिटल उसमें नहीं होता, अगर आपके स्कीम के गेम्स हैं तो वो आपके ही हैं हमेशा, आप उसे पास ऑन नहीं कर सकते। आप अपना अकाउंट दे सकते हैं दूसरे आदमी को, लेकिन आप अपने गेम्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो फिजिकल का देखते हैं, सोनी अगर चाहेगा एज अ कंपनी तो उसके बहुत ही लुक्रेटिव बना सकता है कि फिजिकल जो हमारी ड्राइव्स हैं वो आप खरीदो ही खरीदो। कई लोगों को ये चीज़ें आसानी मिलती हैं, और कई लोग, इंडिया की बात हो रही है तो इंटरनेट के भी मसले होते हैं, खैर बिना इंटरनेट के तो मुश्किल ही हो जाएगा। और मुझे ये भी कमाल की बात लगी कि इन्होंने इंसुलेटेड दी है। देखो सच्चाई यही है, मैं कितने भी शांत पीसी बना लूं, लेकिन अगर उसके अंदर एक आवाज़ करने वाला कंपोनेंट होगा तो सारी शांति को उसने भंग कर दिया। और मैं आपको सही बताऊं, जैसे मेरा भी बहुत साइलेंट पीसी है, ये अच्छे अच्छे लोड तक पे आवाज़ नहीं करता बिल्कुल, इसमें पंखे जो है रैंप नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको ये साफ साफ बता दूं कि हार्ड डिस्क जब भी यूज़ होती है गड़ंग 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 गड़ंग, वो हार्ड डिस्क अपना आवाज़ करना शुरू कर देती है। ऑप्टिकल ड्राइव या मूवेबल को भी पार्ट होता है ड्राइव का, तो वो बहुत आवाज़ करता है, और ऑप्टिकल ड्राइव से कुछ ज़्यादा ही करती हैं। तो इसमें एक अच्छी बात ये है कि इन्होंने केसिंग लगा दी है, कम से कम वो आवाज़ भी कम हो। हम जब भी पीसी बनाते हैं तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि सीपीयू और जीपीयू इसमें कौन सा लगा हुआ है। लेकिन अब वीडियो के इस सेक्शन में आगे हम बात करेंगे कि इसमें सीपीयू कौन सा लगा हुआ, 8 कोर 16 थ्रेड का R7 लगा हुआ है इसके अंदर। और अब ये स्टैंडर्ड हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि 4 कोर 4 थ्रेड से खिसक के बाद अब 8 कोर 16 थ्रेड पे हो जाएगी। वैसे अगर आपके 6 कोर 6 थ्रेड भी हों तो भी पीसी पे बहुत अच्छी गेमिंग होगी एक लंबे टाइम तक। लेकिन 8 कोर 16 थ्रेड आप इस तरह भी समझ के चलो, ये अगले 6 साल तक इन्हें मेंटेन करना है, तो उस हिसाब से ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सीपीयू अभी से रखना पड़ेगा। और लेटेस्ट आर्किटेक्चर पे है, जीपीयू जो यूज कर रहे हैं उसमें RDNA 2 वाला यूज कर रहे हैं आर्किटेक्चर का, तो ये भी पावरफुल जीपीयू ही होगा। और जैसा कि बता रहे हैं 10.3 टेराफ्लॉप्स का है, एक लंबे टाइम तक ये अच्छी गेमिंग करेगा। ऑल्दो फिर यहाँ पे मुद्दे की बात कर लेते हैं, ये टेराफ्लॉप वेराफ्लॉप तक तो ठीक है, वो तो पावर हमें न्यूमेरिकली बतानी होती है तो वो आप बता सकते हो। ऑल्दो मैं ये कहना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर साइड में इतनी पावर होती है कि आप अगर ढंग से वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो ना, तो लिमिटेड हार्डवेयर पावर पे भी आप बहुत जल्दी बिखेर सकते हो। पीसी में यही प्रॉब्लम हो जाती है, इतने सारे कंपोनेंट्स का मिसमैच हो जाता है कि कई बार जो गेम्स लोग डिज़ाइन करते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर उन्हें कह दिया जाए कि ये एक ही हार्डवेयर है, इसका फुल यूटिलाइजेशन करो, तुम्हें हर तरह के सॉफ्टवेयर मिलेंगे फुल यूटिलाइजेशन के लिए, तो आप कम हार्डवेयर पावर में भी बहुत अच्छे ग्राफिकल गेम्स दिखा सकते हो। और मुझे एक फैक्ट बहुत अच्छा लगा, ये जो मदरबोर्ड अपना दिखा रहे हैं इस सेक्शन में, पीसीबी कहना चाहिए कंसोल के लिए, कि इनका जो भी ये सर्कुलर लगा हुआ है, जैसे बता रहे हैं कि ये मेमोरी इन्होंने इंस्टॉल कर रखी है, वो पूरा सर्कुलर वे में। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग पूछेंगे, आई जी हम लोग तो वो पूरी रैम लगाते हैं, पूरी इतनी बड़ी आती है रैम, तो इन्होंने ही वो क्यों नहीं लगाई, ये कैसी छोटी छोटी रैम्स है। एक्चुअली में जो हम लगाते हैं उसको सही में कहना चाहिए मॉड्यूल, रैम तो उस पर छोटे छोटे ब्लैक पार्ट्स होते हैं जो इस ये मदरबोर्ड पे लगे हुए हैं, एक्चुअली में यही होती है रैम, वो उस पर लगे होते हैं, उसको तो मॉड्यूल कहना चाहिए, रैम मॉड्यूल। और स्टोरेज के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 1 TB की SSD यूज करी है। और आप कहोगे फिर से, आई जी हमारी SSD तो इतनी बड़ी बड़ी आती है कंप्यूटर वाली, ये कैसी छोटी सी SSD है। सच्चाई है कि SSD का साइज भी यही होता है, यही चुन्ना सा जो साइज होता है। अब ये इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक मदरबोर्ड बनाया है, उसी पे ये सब जो है लगाते चले जाएंगे, ये डिटैचेबल नहीं है। और दूसरा, जो भी उसको कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, भाई उसको भी पीसीबी चाहिए होती है SSD को आपकी, अगर उसे खोलोगे तो उसमें भी पीसीबी होती है, तो पीसीबी यही मदरबोर्ड हो गया ना, इसी पे लगाते चले जाओ। और उसको और कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं कंट्रोलर वगैरह, वो भी आप इस पे लगाते चले जाओ। जैसा कि आप देख भी रहे हो इस सेक्शन में, कस्टम SSD कंट्रोलर, आप एक बात समझो, एक SSD फास्ट है ठीक है, लेकिन उसको सुपर फास्ट बनाने का एक रीजन होता है उसका कंट्रोलर कितना ताकतवर है। कई सस्ती SSDs में कंट्रोलर पुराने होते हैं या फिर इतने अच्छे नहीं होते हैं, कंट्रोलर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अरे कंट्रोलर की आप बात कर रहे हो, मदरबोर्ड का जो डिफरेंस होता है कि A320 है कि B450 है कि B550 है कि X470 है, ये क्या है, ये जो चिपसेट जिन्हें आप कहते हो ये भी तो कंट्रोलर ही होता है जो आपको मदरबोर्ड का है, और ये कैपेबिलिटीज डिसाइड करता है आपके मदरबोर्ड की, ये कितने उसमें फीचर्स होंगे और कितनी ताकत होगी या कितनी लेंस वगैरह होंगी।
तो आपका ये चिपसेट भी कंट्रोलर ही होता है, जो कंट्रोलर होता है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर, और खासकर आप बात करो कंट्रोल करता है बहुत स्पीड की आप बात करो तो स्पीड बहुत कुछ डिपेंड करती है। इन्होंने जो कंट्रोलर लगा रखा है कस्टम कंट्रोलर वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये इस कंसोल की एक ये बड़ी बात हो रही है कि बहुत ज्यादा फास्ट कंट्रोलर लगा रखा है, और आप इस तरह की चीजें कर सकते हो जब आपके पास एक ही पीसीबी हो, उसी पे एसएसडी लगेगी, उसी पे सीपीयू लगेगा, उसी पे जीपीयू भी लगेगा, और उसी पे कंट्रोलर भी होगा और उसी पर रैम होगी, तो सब चीजें बहुत फास्ट हो जाती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात बताऊं आपको, आप ये देख रहे हो कि इस सेक्शन में जो बातें चल रही हैं वो थोड़ा हार्डवेयर और टेक्निकल वाली हैं, और वो एंड में आई हैं क्योंकि लोगों के बहुत कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो बोर होकर चले जाते हैं, ये वीडियो चलता नहीं, तो उन्होंने टेक्निकल बातें जो है वो एंड में कर देती हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो अब एंड का ही है, जो आप हम बात कर रहे हैं ना कि ये M.2 SSD और कंट्रोलर और SSD जो है चिप पे लगा रखी हो, अब ये और टेक्निकल हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक तो देखो हम अपना सीपीयू जो है सीपीयू उसको हम हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट क्लॉक्स पे चलाएंगे, क्यों ना चलाएं भाई, मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालनी है क्योंकि वो 8 कोर 16 थ्रेड अब 6 साल तक रहने हैं, उसको भी अब आप हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट क्लॉक पे चलाओगे तो भयानक गर्मी जनरेट करेगा, एक ही फैन है तो ये जो हीट ट्रांसफर है वो कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप तो जानते हो हम लोग तो अपने पीसी वगैरह में क्या करते हैं, सीपीयू लगाते हैं उस पर, वो थर्मल पेस्ट लगाते हैं उस पर, कूलर लगा देते हैं, लेकिन वो सबसे एफिशिएंट मेथड नहीं होता है कूलिंग का। अगर आपको बेस्ट कूलिंग करनी है तो आप ये समझो कि वो सीपीयू और वो जो आपने कूलर लगाया है वो बिल्कुल जुड़ जाए मेटली, वेल्डिंग कर दो आप, वेल्डिंग ना करके, अब आप वेल्डिंग तो नहीं कर सकते हो, तो लोग जो है कई बार जो है थर्मल इंटरफेस मटेरियल टिम लिक्विड की यूज कर लेते हैं, कई बार ये सीपीयू केसिंग के अंदर भी यूज होती है, कई लोग उसके बाहर भी यूज कर लेते हैं, तो इन लोगों ने वही किया है, इन्होंने कहा हम थर्मल पेस्ट वगैरह नहीं लगाएंगे, हम जो अपना सीपीयू या जीपीयू है और जो हमारी हीट सिंक है उसके बीच में हम टिम लगाएंगे, थर्मल इंटरफेस मटेरियल लगाएंगे लिक्विड मेटल का, जो कि बेस्ट कूलिंग देगा। ये PS5 की हीट सिंक है, ठीक है साइज इसका, जिस हिसाब से पावरफुल है और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है गर्मी निकलेगी PS5 के CPU GPU कॉम्बिनेशन से, तो उसको संभालने लायक होगा। और इस पे आप याद रखो, इस हीट सिंक को ठंडा करने के लिए, हीट ट्रांसफर करने के लिए एक पावरफुल 45mm थिकनेस का 120mm का फैन है, तो दिस इज ओके फॉर द जॉब। और ये जो एंड का शॉट है ना, आई रियली लव दिस शॉट, इसमें आप पूरा जो देख सकते हो, अगर आप कभी कंप्यूटर भी हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से ही कोशिश करेंगे कि एक टेबल पे सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाई दें कि कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे बनता है, क्योंकि मैं जो शॉट लेता हूँ वो क्लोजअप ही लेता हूँ, एक एक करके शॉट्स दिखाता हूँ, और ये अच्छा लग रहा है शॉट, एक साथ इतनी बड़ी टेबल पे सारे कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। तो आप बताइए कंसोल खरीदेंगे कि पीसी खरीदेंगे। बाय द वे इंपॉर्टेंट बात तो ये है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी और वीडियो पे भी मेरा रिएक्शन चाहते हैं तो वो कमेंट्स में बताइएगा, अगर उस पे लाइक्स मिलेंगे तो उस पे रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें, मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया कमेंट चैनल में, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय टाटा।